Hello everyone, welcome to you all in another day of virtual practical webinar. Myself Shweta Prohit from Department of Botany in Basic PG College. Aaj hum BSc first year ke topic gymnosperm ke ek member cycas ki leaflet ke bare mein study karenge. Hum cycas ki ek leaflet nikalenge, then uska ek barik section cut karenge. ये देखिए साइकस की लीफलेट है, इसका हम बारीक सेक्शन कट करेंगे. सेक्शन को फाइनेस्ट कट करने के लिए हम जो ब्लेड है उसको थोड़ा सा तिरछा रखते हैं, फिर सेक्शन कटिंग करते हैं. ये देखिए साइकस की लीफलेट का एक बहुत ही फाइन सेक्शन जो है वो मैंने कट किया है. अब हम इसे यहाँ से सेफ्रेनिन में स्टेन करेंगे. देन इसे फिर से प्लेन वाटर से वॉश करेंगे. देन इसे यहाँ से स्लाइड पर लेंगे. देन इसमें ग्लिसरीन की एक ड्रॉप डालेंगे. फिर निडल की सहायता से हम कवर स्लिप लगाएंगे. एज़ यू कैन सी इसमें एक भी एयर बबल नहीं है और ना ही ग्लिसरीन जो है वो इस कवर स्लिप के बाहर निकला हुआ है. देन हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि हमें ये जो साइकस की लीफलेट है उसका टीएस कैसा दिखाई दे रहा है. यहाँ आपको साइकस की लीफलेट का टीएस दिखाई दे रहा होगा. ये जो बीच में फूला हुआ पार्ट है ये इसकी लीफलेट का मिडिल पार्ट है, जहाँ ऊपर की तरफ आपको एक मोटी लेयर एपिडर्मिस की दिखाई दे रही होगी. वो यूनिलेयर अपर एपिडर्मिस है जिसके बाहर की तरफ मोटी क्यूटिकल प्रेजेंट है. नीचे की तरफ भी वैसी एपिडर्मिस आपको दिखाई दे रही होगी, लोअर एपिडर्मिस जो येलो कलर से दिखाई दे रही है, जिसके बाहर की तरफ क्या है मोटी क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है. यहाँ ये एपिडर्मिस की लेयर के नीचे आपको जो पिंक कलर की सेल्स दिखाई दे रही हैं वो हाइपोडर्मिस की सेल्स हैं जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस होती हैं. हाइपोडर्मिस के अंदर की तरफ जो है ना वो मीजोफिल टिश्यू है जो कि पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू में डिफ्रेंशिएटेड है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर की तरफ भी पिंक कलर की आपको हाइपोडर्मिस की लेयर दिखाई दे रही है एंड नीचे की तरफ भी पिंक कलर की हाइपोडर्मिस की लेयर दिखाई दे रही है. ऊपर की तरफ इस हाइपोडर्मिस की लेयर के नीचे क्या है पैलिसेड टिश्यू प्रेजेंट है जो कि खम्भ उत्तक होते हैं, खम्भाकार होते हैं एंड जो स्पॉन्ज टिश्यू होते हैं वो गोल गोल होते हैं जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है. ये स्पॉन्ज टिश्यू जो है वो आपको लोअर साइड में दिखाई दे रहे होंगे लोअर हाइपोडर्मिस के नीचे. इस लीफलेट के मिडरिब वाले पोर्शन में एक मीजार्क वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है जिसमें कि अपर की तरफ जाइलम एंड लोअर साइड में फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. ये वेस्कुलर बंडल जो होता है वो बंडल शीथ सेल्स से घिरा हुआ होता है. ये वेस्कुलर बंडल जो होता है वो डिप्लोजाइलिक प्रकार का होता है, विच मीन्स इसमें दो प्रकार के जाइलम पाए जाते हैं. अपर साइड में एक बड़ा ट्राइंगुलर सेंट्रीपिटल जाइलम होता है एंड लोअर एपिडर्मिस की साइड में दो छोटे छोटे फ्लोएम के पास सेंट्रीफ्यूगल जाइलम पाए जाते हैं. जब हम मिडिल पार्ट से लेटरल विंग्स की तरफ जाते हैं
तब हमें मीजोफिल टिश्यू के बीच में अंदर की तरफ ट्रांसफ्यूजन टिश्यू दिखाई देता है, जो कि साइकस में सॉल्यूबल फूड की ट्रांसफ़र में हेल्प करता है। ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू साइकस प्लांट का एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने साइकस की लीफलेट का टीएस कट किया। उसमें हमने क्या स्ट्रक्चर्स देखी कि उसमें यूनिलेयर अपर एंड लोअर एपिडर्मिस पाई जाती है। देन जो लोअर एपिडर्मिस जो होती है उसमें संकन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। देन अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस की बाहर की तरफ मोटी क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस की सेल्स प्रेजेंट थी। देन हमने देखा कि हाइपोडर्मिस की सेल्स के नीचे मीजोफिल टिश्यू जो था वो प्रेजेंट था। मीजोफिल टिश्यू जो था वो अपर साइड में पैलिसेड एंड लोअर साइड में स्पॉन्जी टिश्यू में डिफ्रेंशिएटेड था। पैलिसेड टिश्यू जो थे वो खंबाकार थे तथा जिनमें क्लोरोफिल जो थे वो बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित थे, एंड जो स्पॉन्जी टिश्यू जो थे उनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस पाए जाते थे। देन मीजोफिल टिश्यू के बाद में साइकस का जो लीफलेट है, इसका जो मिडिल पार्ट था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि मीजार्क वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट था, जिसके चारों तरफ बंडल शीथ सेल्स की एक लेयर पाई गई थी। जो मीजार्क वेस्कुलर बंडल जो था वो कैसा था, डिप्लोजाइलिक प्रकार का था, विच मीन्स उसमें दो प्रकार के जाइलम हमने देखे कि बाहर की तरफ या फिर अपर साइड में क्या था, एक ट्राइंगुलर जाइलम प्रेजेंट था एंड जिसे हम सेंट्रिपिटल जाइलम भी कहते हैं, एंड लोअर साइड में फ्लोएम की तरफ सेंट्रीफ्यूगल जाइलम के दो पैचेस हमने देखे। देन जब लीफलेट का जो मिडिल पार्ट था उसे जब हम लेटरल साइड में जाते हैं, लेटरल विंग्स की तरफ, तब हमने देखा कि अपर एंड लोअर साइड में जो मीजोफिल टिश्यू जो थे उनके बीच में क्या था, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट था। ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू क्या करता है, जो मिडिल पार्ट जो होता है वहाँ से सॉल्यूबल फूड को लेकर उसको आगे ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो था वो साइकस की लीफलेट का एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का ये वेबिनार आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू।